राधे दोस्तों। तो दोस्तों, आज केले की कोफ्ते की रेसिपी शेयर करेंगे, जो मुंह में घुल जाने वाली कोफ्ते बनी है। एकदम आसान ट्रिक्स बताएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है और इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बिना फेल हुए कोई भी बना सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले केले को उबालेंगे और इसका छिलका हटा लेंगे। दो टमाटर पीसे हैं और एक प्याज, यहाँ पर बारीक प्याज कट किए हैं, और हरी मिर्च। तो सबसे पहले अपने केले को अच्छे से मैश करेंगे, उसके बाद से थोड़े मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें अजवाइन डालेंगे, अजवाइन से केले की कोफ्ते में बहुत ही बढ़िया सा एक फ्लेवर आएगी। उसके बाद से बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च डाल देंगे। तो यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे, तो आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, जीरा डालेंगे साबुत, आधी चम्मच डालेंगे गरम मसाला पाउडर। ज़रूर डालिएगा, इससे कोफ्ते में टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। और स्वाद के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक ऐड करेंगे। बस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ी सी बेसन डालेंगे। तो कोफ्ते में बेसन ज़्यादा नहीं डालते, क्योंकि बेसन डालने से बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो इसमें हम एक मुट्ठी के करीब बेसन ऐड किए हैं, क्योंकि केले के कोफ्ते हैं ये और हार्ड हो जाती है। तो बस एक मुट्ठी बेसन से ही हमारा ये कोफ्ता तैयार हो जाएगा। तो चलिए अच्छे से मैश कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से कर दिए हैं मैश। उसके बाद से हम यहाँ पर छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं, हाथों में तेल या पानी लगा के इसका इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। बहुत ही आसान है कोफ्ते बनाना, कोई भी बना सकता है। तो देखिए, इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं। गैस पे कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, अच्छे से तेल को गरम करेंगे और यहाँ पे एक एक करके सारे कोफ्ते को अच्छे से गोल्डन सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारे कोफ्ते बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है। इसे थोड़ा सा और फ्राई करेंगे और ये अच्छा सा एक कलर आ जाएगा। तो इसे निकाल के अलग प्लेट में रख लेंगे और बाकी के कोफ्ते को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। चलिए, हमारा कोफ्ता तैयार है, इसे निकाल लेते हैं और बाकी के भी कोफ्ते को फ्राई कर लेते हैं। तो कोफ्ते फ्राई करने के बाद से तेल को कर दिए हैं कम। यहाँ पर कुछ खड़े मसाले और एक तेज़पत्ता लिए हैं, और इसे यहाँ पर थोड़ी सी जीरा लिए हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट करेंगे। उसके बाद से यहाँ पर हम ऐड करेंगे ये अपना पिसा हुआ प्याज। तो कभी भी प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे ही पकाते हैं, नहीं तो पिसा हुआ प्याज है जल जाएगा, तो इसमें एक कड़वा सा टेस्ट आएगा। तो चलिए, अपने प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। देखिए, यहाँ पे प्याज को भूनते हुए करीब 3 मिनट हुआ है। प्याज को हमें इतना ही भूनना है, क्योंकि ज़्यादा जल जाएगा तो प्याज अपना एक कड़वा टेस्ट देगा, तो उतना बढ़िया नहीं लगता है। अब यहीं पर अपना पिसा हुआ टमाटर डालेंगे और नमक डाल देंगे। नमक डालने से क्या होता है, टमाटर बहुत ही जल्दी पकता है। तो नमक डालेंगे और प्याज के साथ टमाटर को अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर को अपने अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज पक चुकी है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब यहीं पर कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले में डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच डालेंगे ये लाल मिर्च पाउडर, और आधी चम्मच था ये हमारी काली मिर्च का पाउडर, और एक चम्मच भर के डालेंगे यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे डालेंगे हम ये सब्जी मसाला है, एक चम्मच डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा कोफ्ते की सब्जी में। बस सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम चटपटा सा हो बनने के लिए यहाँ पर हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। थोड़ा सा डालेंगे पानी। लहसुन और हरी मिर्च का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है कोफ्ते में, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सभी मसाले को ऐड करके और इसे अच्छे से भून लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, मसाले बहुत अच्छे से भून चुका है, अपना कढ़ाई भी छोड़ा है। अब यहीं पे अपने ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा कोफ्ते में पानी ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमारे जो कोफ्ते होता है वो पानी एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर करीब हमने 1 गिलास पानी ऐड किए हैं, लेकिन थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। और यहाँ पर लास्ट में डालेंगे हल्दी पाउडर और मसाले को, ग्रेवी को अपने अच्छे से उबलने देंगे। तो हल्दी पाउडर डाल दिए हैं और ग्रेवी में उबाल आने देंगे। तो देखिए, बहुत ही अच्छा हमारी ग्रेवी में उबाल आ रही है। अब यहीं पे सारे कोफ्ते को डाल देंगे और इसे 2 मिनट तक हम उबलने देंगे। लास्ट में हम धनिया पत्ता से फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ पर सूखी धनिया का पत्ता है, इसे डाल देते हैं
और 2 मिनट के लिए इसे उबलने देंगे। ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, नहीं तो कोफ्ते हमारे टूट जाएगी। तो लीजिए दोस्तों, हमारा बहुत ही टेस्टी सा ये केले का कोफ्ता बनके हो गया तैयार। तो दोस्तों रेसिपी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।